हनुमान घाट में जो है जलाया तेजस्वी यादव का पुतला, और का थे तो करके दिखा हमारे ऊपर अफाई। अरे गरीब के लिए बाजू उठाएंगे, मर जाएंगे गरीब के लिए। इसका बेटा, इसके बाप के पास इतना पैसा है लेकिन लालू यादव का इतना औकात नहीं है कि कम से कम ग्रेजुएशन करा दे तेजस्वी यादव को। नौमा फैल है ये नौमा हमारे बिहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस कश्यप का केस वापस लो, अरे वापस लो। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलाने का काम करता है, कई सारे स्कूल में कंप्यूटर लगवाए और कहा थे इनका कंप्यूटर लगवाने का बता दीजिए तो। खास राज नहीं कहेंगे, एक्सपोज मीडिया नहीं कहेंगे, इसको तो हम गजेरी साफ छाप मीडिया कहेंगे। का जो है ट्विटर पर 2 फॉलोवर नहीं है और मनीष कश्यप का जो है फॉलोवर डाउन करने के लिए चला है। जंगल राज लाना चाहता है लेकिन लाने तो नहीं देंगे। आज जो है हम लोग तेजस्वी यादव का जो है पुतला दहन करने जा रहे हैं। कारण यही है, अगर जो लोग विरोध करेंगे, गलत कमेंट करेंगे तो उनसे निवेदन है हमें कि आप लोग वीडियो को जो पूरा देखिएगा कि आज हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग जो इस श्मशान घाट में क्या बोलने वाले हैं, इस तेजस्वी यादव को जलाने के लिए आए हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद जो है कमेंट कीजिएगा। ये ससुरा जो है मनीष कश्यप पे एफआईआर करा दिया है। आप समझे मनीष कश्यप गलत क्या किया है? वो आवाज किसके लिए उठाता है? गरीब के लिए उठाता है। जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स को जो है 2 में हो जाना चाहिए था, उस कोर्स को 4 लगा दिया जाता है। तो वहां पे मनीष कश्यप कॉलेज में जाता है और डायरेक्ट बात करता है मास्टरबा से, डायरेक्ट बात करता है। उसके लिए ये जो है मनीष कश्यप एफआईआर करता है। मनीष कश्यप वो पत्रकार है जहां पे अगर किसी लड़की को रेप कर दिया जाता है तो उसको जाकर के इंसाफ दिलाता है, वो पत्रकार है मनीष कश्यप। जहां पे कोई करप्शन का भ्रष्टाचारी हो रहा है, पुला बन रहा है, सड़क बन रहा है, वहां पे मनीष कश्यप जाके जो इंजीनियर को रिलाय करने का काम करता है। मनीष कश्यप वो काम करता है गरीबों के हित में, हमेशा मनीष कश्यप रहता है, इंसाफ दिलाने का काम करता है। कई सारे स्कूल में कंप्यूटर लगवाए और कहा था इनका कंप्यूटर लगवाने का बता दीजिए तो। वोट के लिए लड़ता है, लोग नेता बनना है ना, काहे नहीं लगाते? जब स्टूडेंट के बारे में आप सोचते हैं तो काहे नहीं स्कूलों में जो कंप्यूटर लगाने का काम करते, क्यों लगाएंगे मनीष कश्यप कंप्यूटर? आप क्यों नहीं लगाइएगा? आप ना भविष्य तय कीजिएगा बिहार के बच्चों का। कितने बिहार के बच्चे के बारे में आप सोचे हैं बताइए तो, कितने बच्चों के बारे में आप सोचे हैं? किसी के बारे में आप नहीं सोचे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से आप पैर पकड़ के खींचते हैं। मनीष कश्यप हमेशा अच्छाई की लड़ते हैं, तो आप चाहते हैं कि उस पर एफआईआर करके अंदर बंद कर दे? नहीं चलेगा, एफआईआर तो लेना पड़ेगा। आप समझ ली का जो है ट्विटर पर 2 फॉलोवर नहीं है और मनीष कश्यप का जो है फॉलोवर डाउन करने के लिए चला है। ये ससुराल जिसका 2 फॉलोवर नहीं है, और ये जो है विकास राज, अपने आप को विकास राज गंजेरी साहब, इसको तो हम विकास राज नहीं कहेंगे, एक्सपोज मीडिया नहीं कहेंगे, इसको तो हम गंजेरी साफ छाप मीडिया कहेंगे। ताकि काम गंजेरी वाला करता है, अब जरा दिखाइए कि एक तो तरीका से रिपोर्टर आपको लगता है ये गंजेरी इसको कहेंगे, क्योंकि जहां जहां मनीष कश्यप जाता है वो मनीष कश्यप वहां से आता है, उसके बाद ससुराल जाता है, वहां पे जरूर जाएगा ये। अभी मनीष कश्यप के वजह से आज ही चर्चित में है। मनीष कश्यप नहीं रहता तो ये भी आज नहीं रहता। एको गो इसका ऐसा वीडियो बजाइए जो भाला हुआ हो गरीब का, एको गो जो गरीब के लिए आवाज उठाया हो, टांग खींच के ही रोटी सेकने का काम ये करता, उसी वजह से आज थोड़ा लोग इसको जान रहा है। ससुरा को कौन जानता है, इसको क्या पता है बताइए था। अरे आप उस विद्यार्थी से पूछिएगा, आपको गलत आप कमेंट करते, जो विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, अगर वो पढ़ाई करते करते उसको जॉब नहीं मिल पाता है, उस विद्यार्थी जाके पूछिएगा कि उसके दिल पे जो है क्या बिगड़ता है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है सही समय पर नहीं जो होता है ना, तो उससे आपको जाके पूछिए, लंबे लंबे लाइन में खड़ा रहता है कॉलेज के जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, बहुत बहुत विद्यार्थी लगा रहता है, अपना हाथे पर्ता रख के लगा रहता है, लाइन में लगा रहता है। उन लोगों से जाके पूछेगा कि क्या उनके ऊपर बीतता है, जाके के फिर मिठाई लाइन में काम करना पड़ता है, नमकीन लाइन में काम करना पड़ता है, इतना इतना पढ़ लिख के। लेकिन नौमा फैल होकर हमारे बिहार को चलाएगा, ये तय करेगा हमारा भविष्य। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते, हर कुछ कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, ये नौमा फैल हो गया। बताइए तो गरीब और अमीर में फर्क क्या है? इसका बेटा, इसके बाप के पास इतना पैसा है लेकिन लालू यादव का इतना औकात नहीं है कि कम से कम ग्रेजुएशन करा दे तेजस्वी यादव को। नौमा फैल है ये नौमा। हमारे बिहार के मजदूर के बेटा जो है ना, वो भी ग्रेजुएशन कर लेता है। मजदूर के बेटा ग्रेजुएशन कर लेता है ना? यस कर लेता है। यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं सब मजदूरे का बेटा बेटी है, सब बे मजदूर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
तो समझ लीजिए कि आज हम लोग शमशान घाट में आज पुतला जलाने के लिए आए। आप लोग जरा सोच के देखिए, ये लालू का बेटा है ना, मनीष का सब एगो आर्मी का बेटा है ना, किसान का बेटा है मनीष का सब। ये जो लालू यादव का बेटा, लालू यादव जो है बहुत पहले से नेता है, सब पहचान है उसको, पूरा हर लोग जानता है। इसका फ्लोवर आप फेसबुक पर देखिएगा तो 2.5 मिलियन है, और वही मनीष कश्यप का फ्लोवर देखिएगा तो 4 मिलियन है। बताइए क्यों चुना है मनीष कश्यप को? कहीं ना कहीं मनीष का अच्छा काम ना किया है। अब वो 33 साल, इसका 33 साल हो रहा है, मनीष कश्यप का जो 30 या 32 साल होता होगा है। उम्र ये क्या है दोनों का? मनीष कश्यप इतना कम समय में इतना आगे जाना, कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, तभी लोग जो है उसको सपोर्ट किया है। ये इतना दिन से वो गरीब का बात करता है, वो गरीब के पीछे है। अरे अभी करोड़ों का टेंडर चलता है और सिविल इंजीनियर है सड़क बनाने का, उसमें जाके हकीकत दिखाता है क्योंकि 20% 30% लेता है उसमें, सब दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। इसलिए दवा चैनल ऐसा, मनीष का सब हमेशा शिक्षा पे सवाल उठाते, हमें हर स्कूल में मजदूर के बारे में बोलते हैं और स्कूल में जाके कंप्यूटर लगाते थे। क्या सोचता है ससुराल तेजस्वी कि अगर मनीष का सब ऐसे गरीब लोगों को सपोर्ट करेगा और स्कूल में कंप्यूटर लगाएगा तो बिहार के बच्चा तेज ना हो जाएंगे? अब बिहार के बच्चा जो तेज हो जाएंगे तो हम लोगों को कौन देखने वाला रहेगा? कहीं कहीं रहेगा बिहार का बता तेज हो जाएगा। इसीलिए ये मनीष का सब पे एफआईआर कर दिया कि मनीष का सब जैसे लोग दोबारा पैदा ना ले। वही बात है जो है अपने आप को सोते नहीं, क्योंकि बड़े भी तो चैनल ये तमिलनाडु वाला वीडियो दिखाए, उन लोगों पे क्यों नहीं एफआईआर किया? देखिए दूसरे बड़े चैनल क्या होता है, बड़े रिपोर्टर क्या करते हैं कि वो कोई घटना हो रहा है तो वहां पे जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए यहां घटना हो गया, एक गरीब लड़की को रेप कर दिया गया, वो चीज बताएंगे और वहां से वो रिपोर्टर आ जाएंगे। लेकिन मनीष का सब वो काम नहीं करते, उसको हक दिलाते हैं, इंसाफ दिलाने का काम करते, वो रिपोर्टर है मनीष का सब। यार गरीब लोग, मनीष का सब हमेशा गरीब के लिए आवाज उठाता है ना, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं मनीष का सब का। ठीक है, देखिए पुतला हम लोग जो जला दिए और हम लोग नारा लगाएंगे, मनीष आप लड़ो हम आपके साथ हैं। अरे हम आपके साथ हैं मनीष का सब, लड़ो मनीष आप लड़ो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मनीष का सब जिंदाबाद, जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनीष कश्यप का केस वापस लो, अरे वापस लो, अगर वो गलत है तो उसके साथ सभी को जेल दो जो गलती किया है, सबको जेल दो ना। देखिए 20 साल हम लोग जो है शमशान घाट में जो है जलाए तेजस्वी यादव का पुतला, और औकात है तो करके दिखा हमारे ऊपर अफाई। अरे गरीब के लिए बाजू उठाएंगे, मर जाएंगे गरीब के लिए। तो इससे पहले तो कभी नहीं तेजस्वी यादव के बारे में हम लोग बोले, क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि जो लोग अच्छा किए उसके ऊपर एफ आई आर कर दिए ना ससुरा, इसीलिए हम लोग आज इसका पुतला जलाए। जंगल राज लाना चाहता है लेकिन लाने तो नहीं देंगे, सरकार तुम बन जाएंगे, अरे बिहार सरकार तुम बनेगा, कभी नहीं तुमको बनने देंगे सरकार, क्या समझता है अपने आपको।